ध्यान सबसे पहले आपकी सांसों पर जाएगा, जैसा कि हम मेडिटेशन के दौरान भी करते हैं। मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान हमारे यूनिवर्स में बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी होती है, और उस समय के दौरान कॉन्सेंट्रेशन के साथ किया गया कोई भी काम, चाहे वो पढ़ाई हो, मेडिटेशन हो या कुछ भी हो, उस काम के रिजल्ट्स आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही मिलेंगे। थर्ड है सर्कैडियन रिदम। जिस तरह से दिमाग और बॉडी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक उसी तरह से हम और हमारा यूनिवर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप तो ये जानते होंगे कि हमारी धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो सुबह के समय जब सूरज की पहली किरण हमारी धरती पर पड़ती है, तब सूरज के चार्ज्ड पार्टिकल्स के चलते धरती बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, जिसके चलते हमारी बॉडी और दिमाग में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं, और हमारे ब्रेन का सुपर कैस्मेटिक न्यूक्लियस बॉडी को सिग्नल देने लगता है कि बाहर की दुनिया में उजाला हो गया है, और बॉडी उठने के लिए तैयार होने लगती है। जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगता है, ब्रेन का पीनियल ग्लैंड बहुत अधिक मात्रा में मेलाटोनिन रिलीज करने लगता है, और यह सिस्टम लाखों सालों के के बाद जाके डेवलप हुआ है। अब आप ये दोनों डायग्राम्स को देखिए, पहला है सर्कैडियन रिदम और दूसरा है आयुर्वेदिक दोसाज टाइमिंग्स। सुबह के 4 बजे हमारी बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम और ब्रेन में मेलाटोनिन का लेवल सबसे ज्यादा होता है, और लगभग सुबह में 7:30 के आसपास हमारा ब्रेन मेलाटोनिन बनाना पूरी तरह से बंद कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मेलाटोनिन बोल रहा है, ये तो बता भाई इससे होता क्या है। तो सुनो, सुबह के समय ब्रेन में मेलाटोनिन का लेवल ज्यादा होने की वजह से दिमाग बहुत शांत और स्टेबल होता है, जिसके चलते हमारे ब्रेन की कॉन्सेंट्रेशन और फोकस करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और वहीं अगर आयुर्वेद की बात करें तो हमारा शरीर इन 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर, या जिसे स्पेस भी कहते हैं। और इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलकर हमारी शरीर की 3 मुख्य एनर्जी का निर्माण होता है, वाता यानी कि एयर एंड स्पेस, पिता यानी कि फायर, कफा यानी कि अर्थ एंड वाटर। आयुर्वेद के अनुसार सुबह 2 से 6 और शाम को 2 से 6 के बीच हमारी बॉडी में वाता एनर्जी डोमिनेंट होती है, और इस समय हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी, कॉन्सेंट्रेशन और फोकस करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हमें इस समय में ज्यादा से ज्यादा मेंटल वर्क करने चाहिए, ताकि हमारी प्रकृति भी आपका उस काम को करने में साथ दे सके। सो टू कंक्लूड, हमारा शरीर प्रकृति के बनाए इन नियमों के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन हम असल जिंदगी में करते क्या है वो हम सब जानते हैं, उसे बताने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आयुर्वेद के हिसाब से हमें 10 बजे से 2 बजे के बीच किसी भी हालत में जगे हुए नहीं होना चाहिए, लेकिन आज की सोशल मीडिया के जमाने में 2 बजे से पहले सोता कौन है भाई। देखो, पानी जिस दिशा में बह रहा है, अगर उस दिशा में तैरोगे तो किनारा जल्दी मिल जाएगा। यानी कि अगर आप नेचर और यूनिवर्स के हिसाब से चलोगे तो ये नेचर और ब्रह्मांड भी आपका साथ देंगे, और किनारे की तरह आप अपनी लाइफ के सारे गोल्स बहुत आसानी से अचीव कर पाओगे। अगला पॉइंट है प्योरेस्ट एनवायरमेंट। क्या आप जानते हैं कि सुबह के समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारे आसपास का एनवायरमेंट अपनी सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। सुबह के समय एनवायरमेंट में लगभग 41% ऑक्सीजन और केवल 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि मिनिमम पॉल्यूशन। अब आप ये सब तो जानते ही होंगे कि फ्रेश एयर में सांस लेने से सैकड़ों फायदे होते हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा फायदा यह है कि फ्रेश एयर गिव्स यू मोर एनर्जी एंड ए शार्पर माइंड। अब ये कैसे काम करता है, इसके पीछे भी अपना एक विज्ञान है, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अगला पॉइंट है मिनिमम नॉइस पॉल्यूशन। क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास की तेज आवाजों का आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है? अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिए। हमारे आसपास की तेज आवाजें हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती हैं, जिससे दिमाग ठीक से कॉन्सेंट्रेट और फोकस नहीं कर पाता। हैरी पॉटर की राइटर जेके रॉलिंग्स बताती हैं कि हैरी पॉटर लिखते समय बाहर की आवाजों की वजह से वो ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती थी, जिस वजह से उन्हें होटल में एक रूम लेना पड़ा था, ताकि वो बाहर की अनवांटेड वॉइस से छुटकारा पाकर पूरे फोकस के साथ लिख सकें। देखो, जब बात फोकस और कॉन्सेंट्रेशन की आती है, तब छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं। सो इसलिए सुबह के समय या ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जब एनवायरमेंट बहुत शांत होता है, तब अगर आप कोई भी काम करेंगे तब आप बहुत कम समय में ज्यादा अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट है एनर्जी सेविंग। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योगा सूत्र, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में 5वां अंग है प्रत्याहार, जिसका मतलब होता है कि हमारे 5 सेंसेस के थ्रू जो एनर्जी वेस्ट होती है उसे बचाना, जिसमें एक योगी मेडिटेशन के दौरान अपने सारे सेंसेस को बंद कर लेता है, ताकि वो अपने अंदर की सारी एनर्जी मेडिटेशन पर लगा सके। अब योगी के पास ये एबिलिटी होती है, वो अपनी इच्छा अनुसार अपने सेंसेस को बंद कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के पास तो ये एबिलिटी है नहीं, तो आप लोगों को अपने ब्रेन की एनर्जी का सदुपयोग करने के लिए सुबह के समय जब एनवायरमेंट शांत हो उस समय उठकर कोई काम करना चाहिए। देखो, होता क्या है कि जब हमारे आसपास नॉइसेस होती हैं, तब हमारे दिमाग की एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन नॉइसेस को समझने में लगा रहता है, चाहे फिर वो वॉइस अनइम्पोर्टेंट ही क्यों ना हो। इसलिए अगर आप सुबह के समय उठोगे तो शांत वातावरण के कारण आपका चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड, जिससे हम सोचते हैं, वो बहुत शांत रहेगा, जिसके चलते उठने के 20 मिनट बाद तक आप जो भी करोगे वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठेगा। और अगर एक बार आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बैठा दिया, तो दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो उस बात को सच होने से रोक सके। तो आज से ही अपने आप से एक वादा करो कि मैं रोज सुबह 4 बजे उठूंगा, चाहे ये दुनिया फिर
इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए। और ऐसा आपको कुछ दिनों तक ही करना है, कुछ ही दिनों में आपका एनर्जी लेवल, कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़ जाएगा, आप दिन भर इतने फ्रेश और खुश रहने लगोगी कि फिर आपका कभी भी लेट तक सोने का मन ही नहीं करेगा। सो दैट्स ऑल दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के विकास में अपना अपना योगदान दें। धन्यवाद।